नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको फ्लैट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैट के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। उनमें से कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिसका इलाज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताने जा रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। सबसे पहले आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो उस फ्लैट की एंट्रेंस को ध्यान से देखें, क्या वो एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव जोन में है या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, एंट्रेंस। एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव जोन में है या नहीं है। सेकंड जो आपने देखना है वो है नॉर्थ ईस्ट जोन। कटी हुई नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो फ्लैट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना कट जाता है, कोई ना कोई कोना बढ़ जाता है। फ्लैट आप कोई भी खरीदेंगे, लगभग सभी फ्लैट इसी तरीके से मिलते हैं, कहीं से कोई कोना घट जाता है, कोई कोना बढ़ जाता है। उसमें जो स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है वो है नॉर्थ ईस्ट की, यानी ईशान कोने की। ईशान कोना कभी भी कटना नहीं चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट जोन में यानी ईशान कोने में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आपने जो ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट जोन में किचन भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किचन। इसी के साथ पांचवा पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट जोन में स्टोर भी नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पैक नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमेशा खुला होना चाहिए, खाली होना चाहिए, चाहे वहाँ पे खिड़की हो या बालकनी बनी हुई हो, वो होनी चाहिए। इसी के साथ सातवां पॉइंट, साउथ ईस्ट जोन में यानी अग्नि कोने में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट, साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन में क्या नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट जोन में खुला नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, बालकनी नहीं होनी चाहिए और विंडो नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट जोन खुला खाली नहीं होना चाहिए, बालकनी नहीं होनी चाहिए, विंडो नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट भी ना हो। साउथ वेस्ट जोन में स्टोर हो या बेडरूम हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से फ्लैट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप अपने फ्लैट को परचेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फ्लैट के बारे में ही जानकारी दूंगा कि फ्लैट की एंट्रेंस कहाँ किस दिशा में होनी चाहिए। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना नया फ्लैट परचेज करने जा रहे हैं
या आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। आप वास्तुशास्त्र की और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं, जिसे हमारे पिताजी ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।